मैं तो कमजोर हूँ क्लास में, मैं तो सबसे यदि पीछे कोई काम को हूँ। खुद परफॉर्म करेंगे तो सबसे ज्यादा गुड सीखने आफ्टरनून की। एवरीवन, हाउ यू ऑल? ओके, वेल फर्स्ट ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू आर सपोज टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर सपोज टू परफॉर्म समथिंग, यू आर सपोज टू वर्क टू लर्न। नाउ आई एक्सप्लेन यू, एक एजुकेशनल थ्योरी है जो ये कहती है कि हम यदि कोई चीज़ सुनते हैं तो वो हमें 2 सप्ताह बाद वो कितना याद रहेगी? 10%। कितना याद रहेगी? हम यदि उसी चीज़ को देख भी लें तो कितनी याद रहेगी? 20%। उसी चीज़ को सुन भी लें और देख भी लें तो कितनी याद रहेगी? 30%। उसी चीज़ को हम किसी को समझा दें तो कितनी याद रहेगी? 50%। उसी चीज को आप खुद करें तो कितनी याद रहेगी? 70% तक आपको याद रहेगी। तो इट मीन्स ये हुआ कि आप यदि कोई काम को खुद परफॉर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा सीखने की जो है आप उसमें सबसे ज़्यादा सीखने की संभावना रहेगी, सबसे ज़्यादा आपको लंबे समय तक उसी याद रहेगी। अब से फॉर एग्जांपल, आप जैसे लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एवरी वन यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, राइट? सो यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, सो वॉट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू स्पीक समथिंग, यू रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ ओकेजन, यू रिक्वायर्ड एनी रीजन टू स्पीक, राइट? आपको कुछ बोलना है तो बोलने के लिए आपको कुछ ना कुछ वजह चाहिएगी, है ना? बेवजह तो ऐसा तो है नहीं कि पागल ऐसे कुछ भी चिल्लाते रहेंगे। वैसे अगर सीखने के लिए पागल भी बन सकते हैं, थोड़ा कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी यदि हमें कोई फ्रूटफुल वजह मिल जाए तब तो हम बोल सकते हैं, और वो स्कूल ही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपको ऐसी वजह मिलेगी। आप अपनी क्लास में हैं, क्लास में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इट मीन्स क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं और बोलते बोलते आप सीखेंगे। बोलते बोलते जरूरी नहीं इंग्लिश की बात करो, हिंदी भी आ जाओ, हिंदी में भी हम बात करें तो बोलते बोलते ही हमें नए नए शब्द मिलेंगे, बोलते बोलते ही हमारा बोलने का स्टाइल बदलेगा, बोलते बोलते हमारा बोलने का स्टाइल बनेगा। पहले व्यक्ति ही कोई काम करता है, काम करते करते गलती होती है, गलती होने के बाद में इम्प्रूवमेंट आता है ना? ऐसा नहीं कि काम ही नहीं किया और ऑटोमेटिक जब पहली बार करेगा तो वो परफेक्ट बन जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। जो कर रहा है करते करते ही उसमें उससे गलती भी होगी, गलती सुधार करेगा, फिर उसमें परफेक्शन आएगा। जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है, गलती आ रही है उसको ध्यान नहीं दे रहा है, फिर गलती आ रही, फिर ध्यान नहीं दे रहा, फिर गलती आ रही, फिर ध्यान नहीं दे रहा, वो व्यक्ति में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, वो व्यक्ति में कभी जो है वो सुधार भी नहीं कर पाएगा, वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। गलती में सुधार करना जरूरी है, लेकिन एक बात ये भी तय है कि गलती होगी, और गलती होगी इसके लिए हमें कोई हम काम की शुरुआत ही नहीं करें, ये सबसे बड़ी गलती है, राइट? अगर होंगे है ना, गलतियों के डर से मैं डर गया, मैं जीते जी मर गया। मतलब हम जो है गलती के डर से हम जो है कुछ नया किया ही नहीं हमने, है ना? सीखने गया जब मैं स्कूल में, गलती करने से डर गया, बिना कुछ सीखे ही मैं अपने घर गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये मेरी आने वाली कविता है, उसका लाइन है। तो आपको जो है गलती करने से डरना नहीं है और सीखने के लिए कोशिश करना है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ओके? तो बच्चों को भी लेना है खेल, ओके? तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए बोलने के लिए। अब रीज़न आपको कैसे मिलेगा? रीज़न आपको मिलेगा तब जैसे कि आप स्कूल में, जैसे मैं आपको बोला कि आप में से कोई एक एंकर बनिए, क्या बनिए? एंकर। इन द फ्यूचर हो सकता है आप में से किसी को इंटरेस्ट हो मास कम्युनिकेशन में जाने का, तो आप यहाँ स्कूल में आप ऐसा कीजिए, आप आपके जो स्पोकन इंग्लिश वाले टीचर हैं उनको आप अपने नाम लिखवाइए, आप में से कोई 2-1 लोग एंकर बने, क्या बनेंगे? उनमें से कोई जो बेस्ट कर रहा होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, या जितने भी इंटरेस्टेड होंगे उनको मौका देंगे। आपको जैसे कोई इवेंट हो रहा है तो वो इवेंट को कवर करना है, राइट है? तो आपको एक बोलने का मौका मिल जाएगा, सवाल पूछने का मौका मिल जाएगा,
इससे आपका कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। फिर मान लीजिए स्कूल में कोई भी इवेंट हो रहा है, वो इवेंट में आपको जो है आप पहले से ही अपना नाम लिखवा के मैं बोलूँगा या मैं स्पीच दूंगा, डरिए मत, बोलिए। बोलने के लिए आप जब आएंगे तो आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। आप मौका आपको मिला वो मौके का आप बुनाइए, आप बोलिए। पहली बार अच्छा नहीं बोल पाएंगे पर धीरे धीरे आप अच्छा बोल पाएंगे। फिर आपके क्लासरूम में डे बोर्डिंग का टाइम है, हमारे पास ज़्यादा टाइम भी रहता है, जो है आपके प्रेजेंटेशन आप तैयार कीजिए। वो प्रेजेंटेशन आप डे बोर्डिंग में बाकी स्टूडेंट को दिखाइए, सुनाइए। कभी आपका अरेंजमेंट लग रहा है, कभी आप फ्री हैं, तब जो है वो आप चीज़ें सुनाइए। जब आप अपने वो ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें बोलना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा।